हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने इस व्लॉग का पार्ट वन देखा हो। और मुझे कुछ कुछ फीडबैक मिले थे कि लोग मुझसे सुनना चाहते थे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या हुआ। तो मैंने कहा चलो इस व्लॉग में मैं ज़्यादा बात करता हूं और म्यूज़िक को थोड़ा कम करते हैं। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा कि कैसे मैं अपने होम टाउन जौनपुर से वाराणसी गया एंड वाराणसी से फिर मैं न्यू दिल्ली आया। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि न्यू दिल्ली में जो मैं एक दिन था वहाँ पे क्या क्या हुआ और कैसे हमारी फ्लाइट न्यू दिल्ली से लंदन के लिए आई। आई होप आपको ये अच्छा लगे और प्लीज़ कमेंट में बताएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के और ब्लॉग करूँ प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। सो आइए करते हैं थोड़ा सा बात। तो हमारी ट्रेन जो कि थी वाराणसी फेस्टिवल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, फेस्टिवल स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका टाइम था 11:30 पहुंचने का, वो पहुंच गई 11:15 पे, यानी 15 मिनट्स बिफोर टाइम वो दिल्ली स्टेशन पहुंच गई। और वहां से हमें जाना था, एक होटल था नोवोटेल इन एरो सिटी। तो हमने एक दिन के लिए हमें दिल्ली में रुकना था क्योंकि हमें RT-PCR भी कराना था, उसका रिपोर्ट भी लेना था और उसके बाद फ्लाइट भी पकड़नी थी। तो हमने एक दिन के लिए होटल बुक कर लिया था। और उसका मेन रीज़न ये था कि हमें इस कोरोना के टाइम पे ना हम किसी के घर जाना चाहते थे, ना किसी से मिलना चाहते थे, ना किसी को जा करके किसी को इनकन्वीनियंट करना चाहते थे। तो हमने एक होटल बुक कर लिया था एयरपोर्ट के पास एरो सिटी में नोवोटेल करके। तो हम रेलवे स्टेशन से फिर एरो सिटी नोवोटेल की तरफ चल दिए। हमने एक ईको बुक कर लिया क्योंकि काफ़ी सारा लगेज भी था, तो हमने एक ईको गाड़ी बुक कर ली थी और उससे हम नोवोटेल की तरफ चले। जब हम दिल्ली के रोड्स पे चले हैं तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये दिल्ली है क्योंकि पूरी की पूरी रोडें खाली थी। बहुत सारी जगहों पे पुलिस की चेकिंग चल रही थी कि लोग बिना मतलब का तो नहीं टहल रहे हैं, और वो बहुत ही अलग था। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि दिल्ली की सड़कें पूरी की पूरी खाली हों। लास्ट ईयर तो मैं UK में था तो मैं देख नहीं पाया था कि इंडिया में क्या हुआ था, बट इस टाइम पूरे रास्ते में सन्नाटा था। और बड़ी बड़ी जगह जैसे CP, कनॉट प्लेस हो या चांदनी चौक हो या बहुत सारी जगह, सारी की सारी सुनसान पड़ी हुई थी। ये है कोरोना का असर। करीब 45 मिनट में हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहुंच गए नोवोटेल। नोवोटेल काफ़ी अच्छा होटल है और हमारे फ्रेंड और जो हमारी मेरी फेवरेट कंपनी है जर्नी जबरदस्त, उसने हमारा पैकेज बुक किया था एंड बहुत ही रीजनेबल दाम पे। अगर आपको जर्नी जबरदस्त का कांटेक्ट चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक बेहतरीन होटल था और हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप जैसा देख सकते हैं मैंने रूम का टूर भी डाला था। लेट्स सी द रूम। ओके, सो हियर वी हैव दिस मिरर, दिस इज द रेस्टरूम एंड shower and our jungli bachcha is already inside there. This is the master bedroom. Okay, and we have this space for putting all the luggage. Okay, we don't know if we have. Okay, we also have iron and all. Let's close this. Let's go on. We have television. Yeah, we have TV. And a master bed, something to sit, and let's see. Okay. A telephone. Yeah. Wow. Senior, you can see the layout and the bottom. Look at that.
I think it's not bad for one day stay, so let's see. Okay, Dad, phone recording. Here is the board, and here is the disc. Yeah, and this is the new blogger in making. And this is the Scotch kitchen gun. Okay. Okay, and what is that? Where's kitchen? There's no kitchen. तो नोव होटल में हम लोग थे करीब 3-4 घंटे, हमने लंच वंच कुछ कुछ किया और उसके बाद हमें जाना था नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज और वो थी RT-PCR टेस्ट कराना। अगर आपको पता है तो अभी ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए या डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए भी मैंडेटरी हो गया है कि आप एक RT-PCR टेस्ट लें 72 आवर्स पहले। हमने बहुत सारे जगहों मैंने बहुत सारे जगहों पर रिसर्च किया, बहुत जगह पे बहुत टाइम लग रहा था, तो जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा कि हम एयरपोर्ट पे, जो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे जो फैसिलिटी है RT-PCR की, उसको यूज़ करेंगे। तो हम करीब 4 बजे वहाँ पे गए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कहाँ पे करना है, एंड देन फाइनली हम लोग 5:30 बजे तक RT-PCR का सैंपल लेके रूम पे वापस चले आए और फिर हम वेट कर रहे थे करीब 5-6 घंटे का। हमारी रिपोर्ट आई है रात में करीब 11 बजे और थैंकफुली मेरी और ओली दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव थी। नेगेटिव इज द न्यू पॉजिटिव, तो वी वेयर क्वालिफाइड टू फ्लाई इंटरनेशनली। सो एक जो बड़ा एक स्टेप था वो भी पूरा हो गया और जो नेक्स्ट स्टेप था वो था हमारा फ्लाइट पकड़ना। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो था हमारा फ्लाइट पकड़ना। हमारी फ्लाइट 3 मई को सुबह 11:30 बजे। तो हमें पता है अभी बहुत सारा पेपर वर्क बढ़ गया था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्मार्टली खेलते हुए हम करीब 7:00 निकल लिए। हमने होटल से कैब बुक कर लिया था एंड इट टुक अस अबाउट 15 मिनट टू रीच एयरपोर्ट और हम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में एयरपोर्ट पे थे। एंड थैंक गॉड हम 8 बजे एयरपोर्ट पे थे, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो पहली बात तो ये है कि इंडिया UK की रेड लिस्ट में है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ सर्टेन कैटेगरीज के लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिश और आयरिश नेशनल या फिर जो रेजिडेंट परमिट है जिनके पास, जैसे कि मेरा वर्क वीज़ा है, देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट वीज़ा। तो पहले तो आपको उसको प्रूव करना है, आपको RT-PCR की रिपोर्ट दिखानी है, आपको UK में आने के पहले आपको एक 10 डेज का मैंडेटरी गवर्नमेंट होटल क्वारंटीन बुक करना है, आपको एक पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना है और उसके अलावा आपको मेक श्योर करना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस में हैं, आपके पास चेक इन भी है। ये सारा करने में हमें कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 घंटा लगा। जी हाँ, 1.5 घंटा लगा है ये सारा डॉक्यूमेंट चेक करा के, इमिग्रेशन करा करके, सिक्योरिटी करा के अंदर जाने में। तो अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि UK या और किसी कंट्रीज में, पहली बात तो ये कि अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट ट्रैवल अननेसेसरी। वी डू नॉट इंडोर्स एनी अननेसेसरी ट्रैवल, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ हैव इनफ बफर, यू डोंट वॉन्ट टू रश। तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छा खासा बफर है और अच्छा खासा आप टाइम का गैप लेके चल रहे हो। तो हमें करीब 2 घंटे लगे, 1.5 से 2 घंटे लगे सारा पेपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करा के, इमिग्रेशन चेक करा के, सिक्योरिटी चेक करा करके टर्मिनल के अंदर जाने में। अब बात करते हैं हमारी फ्लाइट और हीथरो एयरपोर्ट की। हमारी फ्लाइट थी वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट VS-301 जो कि वहाँ से 11:30 बजे चली और यहाँ लंदन के लोकल टाइम 4:00 यानी 4:20 उसका एक्चुअल अराइवल शेड्यूल्ड अराइवल टाइम था और 4:00 लंदन के, विच इज़ रफली
8:30 इंडिया टाइम यहाँ पे पहुँच गई। एंड आपको लगेगा शायद यहाँ पे जर्नी खत्म हुई होगी, लेकिन नहीं, यूके में आने के बाद हमें और 5 घंटे लगे। यस 5 घंटे, बिकॉज पहली बात तो इंडिया रेड लिस्ट की कंट्री में है, तो उसकी एक अलग ही लाइन लगी हुई थी हीथ्रो एयरपोर्ट पे। सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है तो आपको मुझे ही देखना पड़ेगा, बट एक अलग रेड लिस्ट कंट्री की एक अलग लाइन लगी हुई थी, तो बाकी कंट्रीज की अलग इमिग्रेशन सबकी लाइन लगी हुई थी, और यहाँ पे होना था मैंडेटरी क्वारंटाइन के लिए सारा प्रोसेस। तो हम करीब 2.5 से 3 घंटे तक हम एक अलग लाइन जो रेड लिस्ट की लाइन है, जिसमें मोस्टली मुझे लग रहा था एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के लोग थे, मोस्टली मुझे इंडियन ही लग रहे थे उसमें करीब 3 घंटे में लाइन में लगने पड़ा, जबकि बाकी इमिग्रेशन की लाइन बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी। वो इमिग्रेशन की लाइन जब ख़त्म हुई तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमारा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट एंड ऑल चेक किया, वहाँ से फिर उसने हमें दिया एक सिक्योरिटी गाय को, जो सिक्योरिटी गाय हमें फिर ले गया जहाँ से हमने अपना लगेज उठाया, और उसके बाद हमें फिर आगे ले गए, वहाँ पे हमारा कस्टम वाले ऑफिसर के साथ कुछ किस्सा हुआ, वो कभी बाद में बताएंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस्सा था, तो थोड़ा कस्टम वाला किस्सा हुआ, और उसके बाद हम पहुँच बैठ गए बस में, क्योंकि हमें रेड कंट्री से आ रहे हैं तो हमें 10 डेज के मैंडेटरी गवर्नमेंट होटल क्वारंटीन में रहना है। तो हम उसके बाद एक बस में बैठे जो कि हमें लेके आई। वहाँ पे बस में बैठा करके हम होटल में आए। होटल में आने के बाद फिर हमारी एक मीटिंग हुई कि अगले 10 दिन तक आपको इस होटल में कैसे रहना है, आपको रूम से बाहर नहीं निकलना है, ओनली 2 टाइम्स यू आर अलाउड टू गो आउट फॉर 10-15 मिनट्स, और सारा मतलब जो कैदियों वाला हिसाब किताब होता है कि खाना नाश्ता सब बाहर रख दिया जाएगा आपको करना है, और फिर आपको सारी चीज़ें रखनी है। इट इज़ अ वेरी गुड होटल, वेरी फ्रेंडली स्टाफ, बट ऑफ कोर्स नोबडी लाइक्स टू बी कन्फाइंड, तो हमें इस क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है 10 डेज के लिए, 2 डेज डे 9। और एक और रूल है कि देर आर 2 RT-PCR tests टू बी डन, 2 RT-PCR tests होने हैं day 2 और day 8 में, अगर आप दोनों में नेगेटिव निकले तो फिर यू विल बी अलाउड टू गो आफ्टर day 10। अगर आपका एक भी पॉजिटिव आ गया तो आपका क्वारंटीन उस टाइम से 10 दिन और बढ़ जाएगा। तुम्हारा पहला टेस्ट हो चुका है और दूसरा भी हमने करके, पहला टेस्ट में नेगेटिव आए थे थैंक गॉड, दूसरा टेस्ट भी हमने करके कल दे दिया था day 8 पे, टुडे इज day 9 एंड वी आर होपिंग कि इट वुड अगेन बी नेगेटिव। एज आई सेड नेगेटिव इज द न्यू पॉजिटिव एंड विल बी अवे, विल बी अलाउड टू गो आफ्टर day 10 विच विल बी 14th of May। सो हमारी जर्नी जो शुरू हुई थी 1st May की, वो होपफुली 14th May को एयरपोर्ट और क्वारंटीन वाली खत्म होगी। तो ये थी हमारी जर्नी जो कि स्टार्ट हुई जौनपुर, फिर वाराणसी, फिर न्यू दिल्ली में नोवोटल, फिर आपका न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से फिर फ्लाइट से फिर आपका हीथ्रो पे, एंड अल्टीमेटली अभी हम हैं होटल हॉलीडे इन हीथ्रो एयरपोर्ट, नियर हीथ्रो एयरपोर्ट, एंड होपफुली विल बी आउट ऑन 14th May। तो होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं कोशिश करूँगा कमेंट के सारे आंसर कर सकूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटिफुल कमेंट्स, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो फील फ्री टू सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू, एंड होपफुली हम इन कोरोना और ये सारी बीमारियों से बहुत आगे निकलेंगे। Thank you. Take care all.